बच्चों, अब हम पाठ 18 के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द देखिए, वीरान। वीरान का अर्थ है सुनसान, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। दिक्कत का अर्थ है मुश्किल। डग का अर्थ है कदम। आपत्ति का अर्थ है परेशानी। दृष्टि का अर्थ है नज़र। शाप का अर्थ है साहिब। अब इसके वाक्य प्रयोग, भेड़ी, भेड़ी चराने किशन जाएगा। सेकेंड, पठार, तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। थर्ड, ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत कर रही हूँ। फोर्थ, दृष्टि, मेरी दृष्टि बूढ़ी औरत पर पड़ी। वीरान रास्ता बहुत वीरान है। अगला देखिए प्रश्नोत्तर, जवाहरलाल किसके साथ और कहाँ घूमने निकले। जवाहरलाल अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले और चोटीला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले, जहाँ पहुँचकर वह अमरनाथ भी जाना चाहते थे। सेकंड प्रश्न, पर्वतों के ऊपर से बर्फीला मैदान कैसा लग रहा था। उत्तर, पर्वतों के ऊपर से चारों ओर से हिमशिखरों से घिरा मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। थर्ड प्रश्न, अमरनाथ की यात्रा का सफ़र कैसा था। उत्तर, अमरनाथ की यात्रा का सफ़र बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पर्वत से ढके हुए पहाड़, गहरी खाइयाँ और पथरीले रास्तों पर अधिक फिसलन थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। उत्तर, अमरनाथ पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम था। आगे गहरी चौड़ी खाइयों की संख्या बहुत थी और उन्हें पार करने का उचित सामान उनके पास नहीं था, इसलिए निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा। अगला क्वेश्चन हम करेंगे रिक्त स्थान। फर्स्ट नंबर पर देखिए, जोजीला पास आगे चलकर जवाहरलाल डैश पहुँचे मातायान। सेकंड, किशन गडरिया अब डैश बन गया गडरिया। थर्ड, जवाहरलाल ने थके हुए डैश को साहित्य कुलियो। फोर नंबर, भाई की पुकार डैश की शांति भंग कर गई वादियों। ये पाठ यहीं समाप्त होता है।